टेस्टी फूड पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके साथ आम पना की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो भी आम पना कंसंट्रेटेड है। आप इसको एक बार बनाइए और बहुत दिन तक ये स्टोर करके आप रख सकते हैं इसको। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। कभी भी आप गर्मी से आएंगे तो आपको ये पीने के बाद बहुत राहत मिलेगी। और बाहर के जो कोल्ड ड्रिंक है उससे ये बहुत ही प्राकृतिक तरीके से हम बनाने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी है। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं। आप इसे तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस एक बार एक बना के स्टोर करके रख दीजिए। एक गिलास ठंडे पानी में आप 2 टेबल स्पून इसको मिलाइए और आपका ठंडा आम का पना एकदम बन के तैयार हो जाएगा। इसे आप 15 से 20 दिन तक भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए मैंने 700 ग्राम आम लिए हैं। आप कोई भी आम चूज कर सकते हैं। गुड़ है 400 ग्राम। कूटी हुई काली मिर्च है 1/2 टीस्पून है। आप आधा टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। भुना हुआ जीरा का पाउडर है 1/2 टीस्पून। काला नमक 1/2 टीस्पून है। आप इसे सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। आम को अच्छी तरह से धोने के बाद हम एक कुकर में इसको पकाएंगे। इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको 3 सीटी आने तक इसको पकाना है। 3 सीटी होने के बाद या ठंडा होने के बाद हम जो आम है हम एक बाउल में निकालेंगे और उसको उसका छिलका हटाएंगे। उसका पल्प अच्छी तरह से निकालना है हमें। बस ध्यान रखना है पानी का एक भी ड्रॉप इसमें नहीं लगाना है। आम का जो गुठली है उसको भी हटा दिया है। अब इसके अंदर हम गुड़ को मिलाएंगे। अब गुड़ को अच्छी तरह से इसके अंदर मिलाना है। अगर आप गुड़ नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मैश करके गुड़ को मेल्ट करना है। 5 मिनट मैश करने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे, ब्लेंडर जार, उसमें मिलाएंगे सारे मिक्सचर को और इसको 10 से 15 सेकंड के लिए अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद ये मैंगो पल्प की एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। अब इसका इसके अंदर जो लम्स है वो निकलने के लिए हमें एक छन्नी से छानना है, स्ट्रेन करना है सारे पल्प को, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। बस अब इसके अंदर हम काला नमक मिलाएंगे, ब्लैक पेपर पाउडर और ये जीरा पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद हमारा आम पन्ना का कंसंट्रेटेड पल्प एकदम बन के तैयार हो जाएगा। बस अब इसे बॉटल में भर के आपको स्टोर करके रखना है। अब इसे सर्व करने के लिए हमने 2 गिलास लिए हैं और उसमें आइस क्यूब डाले हैं और इसके अंदर हम लगभग 2 से 3 टेबल स्पून ये पल्प इसमें मिलाएंगे। और इसमें एकदम ठंडा ठंडा पानी इसमें हम यूज़ करेंगे। अगर आप ठंडा पानी नहीं पीते हैं तो आप इसमें नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत इंस्टेंट 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। बस एक बार इसको मेहनत करना है। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये एकदम बन के रेडी हो जाएगा हमारा आम का पन्ना। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसमें ऊपर से थोड़े से आइस क्यूब मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको डेकोरेट करने के लिए जो नींबू के स्लाइसेस कट करके इसी प्रकार से मैंने इसको लगाया है और थोड़ा सा जीरा का पाउडर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। ये आम का पन्ना एकदम बन के तैयार हो जाता है। बस 2 मिनट का काम है। आपको एक बार इसको इसका पल्प जो है आम पन्ना का कंसंट्रेटेड पल्प बना के रखना है। उसकी
इतनी ही मेहनत आपकी करनी पड़ेगी आपको। बस आम पन्ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत प्राकृतिक है ये। बस आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।